भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी का नया रूप आया सामने, देखकर दंग रह गए कांग्रेसी। जी हां, आपको पता चले कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने आरती में भी हिस्सा लिया, ध्यान भी किया और सभी परंपराओं का भी आस्था के साथ पालन किया। नर्मदा आरती के दौरान राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी, उनका बेटा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी वहां मौजूद रहे। तस्वीर में भी दिख रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मां नर्मदा की पूजा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की है। मध्य प्रदेश में वो भी सड़कों पर राहुल गांधी के साथ जनता से संवाद स्थापित कर रही है। शुक्रवार को उनका भी भक्तिभाव साफ देखने को मिला। बताया चले कि 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जाकर समाप्त होगी, लेकिन उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा भाजपा शासित प्रदेश मध्य प्रदेश में शानदार तरीके से प्रवेश कर चुकी है और लगातार राहुल गांधी के नए नए अंदाज सामने आ रहे। अब उन्हें मां सोनिया के बाद बहन प्रियंका और जीजा रॉबर्ट वाड्रा का भी साथ मध्य प्रदेश में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब आए दिन प्रियंका गांधी और जीजा रॉबर्ट वाड्रा राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते हुए नजर आ रहे। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।